आज लायंस क्लब ऑफ सिलचर वैली के उद्योग से लगातार तीसरे वर्ष हम हिंदी दिवस का आयोजन किए हैं और बहुत ही उत्साह से हमारे क्लब के हर सदस्य सदस्या इसमें भाग ले रहे हैं। 2021, 2022 दो साल भी हम लोगों ने बहुत रंगारंग कार्यक्रम किए थे और इस साल कक्षा जिला परिषद कॉन्फ्रेंस हॉल में एक भव्य आयोजन हमने किया है जहाँ बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएँ, पुरुष सभी मिल के रंगारंग कार्यक्रम के माध्यम से हिंदी दिवस का उत्साह मनाएंगे। साथ ही 2021 में हम लोगों ने हिंदी सेवा और प्रचार प्रसार के लिए हम लोगों ने प्रेरणा भारती को सम्मानित किया था। 2022 में हम लोगों ने बराक भारती को सम्मानित किया था और इस बार 2023 में हम लोग हिंदी के विख्यात कवि तथा पत्रकार मदन सिंगल जी को, साथ ही न्यूज़24 के MD तथा बहुत दिनों से हिंदी के प्रचार प्रसार में जुड़े हुए संजीव भट्टाचार्य को हम लोग सम्मानित कर रहे हैं। तो ये सिलसिला जारी रहेगा कि जो लोग हिंदी से प्रेम करते हैं, हिंदी भाषा से प्रेम करते हैं, हिंदी के विकास के लिए, प्रचार प्रसार के लिए काम करते हैं, हर साल ये जो हमारा उद्योग है कायम रहेगा। अगले साल भी हम लोग जरूर बड़ाघाट के कुछ चुनिंदा सितारे को हम लोग सम्मानित करेंगे। अभी आप चलिए देखिए कुछ झलकियाँ जहाँ बच्चे और बुजुर्ग सब मिल के अब रंगारंग कार्यक्रम के माध्यम से हिंदी दिवस का पालन कर रहे हैं। हिंदी भाषा जो कि हम सभी भारतीयों की जननी है, मैं अनुरोध करूंगी रुद्राक्षी राय को, रुद्राक्षी राय स्वरचित एक कविता जो कि हिंदी पर आधारित है सुनाएंगे। रुद्राक्षी राय को मंच पर आमंत्रित किया जाता है। आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरा नाम रुद्राक्षी राय है, मैं साय विकास विद्यानिकेतन विद्यालय की कक्षा 7वीं की छात्रा हूँ। आज हिंदी दिवस के अवसर पर मैं अपनी एक स्वरचित कविता आप लोगों को सुनाना चाहती हूँ। इस कविता का शीर्षक है भारत की भाषा। भारत की भाषा हिंदी मातृभाषा हमारी है। भारत की भाषा हिंदी मातृभाषा हमारी है। सबसे मनोरम, सरल, सुंदर हिंदी भाषा सबको प्यारी है। सबसे मनोरम, सरल, सुंदर हिंदी भाषा सबको प्यारी है। विश्व की प्राचीन भाषा संस्कृत इसकी जननी है। विश्व की प्राचीन भाषा संस्कृत इसकी जननी है। देवनागरी लिपि में भाषा सबकी मनमोहिनी है। देवनागरी लिपि में भाषा सबकी मनमोहिनी है। बिना पानी की वीणा है हिंदी, अरे बिना पानी की वीणा है हिंदी। सूरदास मीरा तुलसी जी का प्रभु प्रेम है हिंदी। सूरदास मीरा तुलसी जी का प्रभु प्रेम है हिंदी। कबीर दास अमित खुसरो ने तुम्हें अपनाया है। कबीर दास अमित खुसरो ने तुम्हें अपनाया है। गद्य पद्य संगीत में न जाने कितनों ने फिरोया है। गद्य पद्य संगीत में न जाने कितनों ने फिरोया है। कितने ही कवियों की वाणी है हिंदी, अरे कितने ही कवियों की वाणी है हिंदी। सभी भाषाएं प्यारी पर भाषाओं की रानी है हिंदी। सभी भाषाएं प्यारी पर भाषाओं की रानी है हिंदी। हिंदी हमारी गरिमा है, सभ्यता है हमारा आचरण। भक्ति है, शक्ति है देश का आभूषण। मान मिला राजभाषा बनी हिंदी 1950 में। मान मिला राजभाषा बनी हिंदी 1950 में। हिंदी बसी हर एक जन के श्वास में। हिंदी बसी हर एक जन के श्वास में। मिलकर करना है हमें जन जागरण। मिलकर करना है हमें जन जागरण। हिंदी का करना हमें जग में प्रसारण। हिंदी का करना हमें जग में प्रसारण। सिमटी न रह जाए हिंदी 14 सितंबर तक। सिमटी न रह जाए हिंदी 14 सितंबर तक। है यह विश्वास हर क्षण हो हिंदी का। यह है रुद्राक्षी की आस। धन्यवाद। मेमेंटो और उत्तरीय से मदन सिंगल जी को सम्मान जनाएंगे। आप लोग जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करें। सुमिता सिंगल जी को भी मंच पे आए।
और सबके समक्ष मदन सिंह जी अपने बहुत लंबे समय का अभिज्ञता आपके समक्ष प्रकट करेंगे। अभी संजीव जी ने कहा कि लगातार सेवा प्रदान, तो ये सच है कि मैं हिंदी का प्रचार लास्ट 43 सालों से सिलचर में 43 और आप लोगों को ताजुब होगा कि एक अखबार है गुवाहाटी का पूर्वांचल प्रहरी, उसका मैं 34+ यानी 35 साल से संवाददाता सिलचर का। हम लोगों का उद्देश्य था कि बर्फ घाटी में घर घर तक हिंदी पहुँचाना, लेकिन आज मैं देख रहा हूँ कि हमारे सिलचर के हर बच्चे, हर बुजुर्ग, हर महिला मुझसे भी ज़्यादा सुंदर हिंदी बोलते हैं। इसका सारा श्रेय पहले हम लोग हिंदी फिल्मों को देते थे, हिंदी फिल्मों के कारण ऐसा हो रहा है, लेकिन अब देख रहे हैं कि विगत 9 वर्षों से मोदी जी आने के बाद जो मद्रास के, जम्मू कश्मीर के, वेस्ट बंगाल के जहाँ जहाँ हिंदी का विरोध होता था, वो सांसद इतनी सुंदर हिंदी बोलते हैं कि हमें ताजुब होता है। धन्यवाद। आज तो विशेष व्यक्तित्व को हम लोग सम्मानित कर रहे हैं। प्रथम मदन सिंगल जी, कवि, साहित्यकार और समाजसेवी, और हमारे बीच में उपस्थित हैं संजीव भट्टाचार्य। जब से दूरदर्शन हो, ओलिया रेडियो हो, विभिन्न चैनलों में हिंदी के प्रचार और प्रसार की बात आती है, छठ पूजा के दूरदर्शन में कोई कार्यक्रम का आयोजन का बात होता है, कहीं भी हिंदी के लिए हमें कुछ जरूरत पड़ती है, अगर हम संजीव भट्टाचार्य को कॉल करते हैं तो साथ ही साथ हमारे हर कार्य बहुत आसानी तरीके से सफल होते हैं। मैं समझता हूँ जो 20-25 सालों से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से हो, जीवा म्यूजिकल के माध्यम से हो, आज के डेट में News24 के एडिटर हैं, इन सब के तहत जिस तरह हिंदी के प्रचार प्रसार वो किए जा रहे हैं, लायंस क्लब ऑफ सिलचर वैली का एक गुरु दायित्व था कि ऐसे व्यक्तित्व को आगे बढ़ा के आए जो अपने कलम से, अपने वाणी से, अपने चैनलों से हिंदी के प्रचार और प्रसार बड़ा घाटी में नहीं उत्तर पूर्वांचल में कर रहे हैं। तो मैं चाहूंगा एक जोरदार तालियों से संजीव भट्टाचार्य का सम्मान करें, और मैं मंच से बोलना चाहूंगा राय अरिंदम भट्टाचार्य जी उनका मंच में है। साथ ही बजाय आशुतोष चौधरी जी को मंच पर बुलाऊंगा। संजीव भट्टाचार्य के हाथों में समराना पेश करेंगे लाय हरिंदर भट्टाचार्य और लाय आशुतोष चौधरी जी। जोरदार हाथ तालियों से इनका स्वागत कीजिए संजीव भट्टाचार्य। उनकी अर्धांगिनी श्रीमती मालविका जी यहाँ पे उपस्थित है, मैं मालविका भट्टाचार्य को मंच पर बुलाऊंगा और लायंस क्लब ऑफ सिलचर वैली की संपादिका सुविधा भट्टाचार्य को सम्मानित करूंगा। मैं चाहूंगा संजीव भट्टाचार्य तो सब आप लोगों के सम्मुख रखें। सबसे पहले मैं आज हिंदी दिवस कार्यक्रम को जो सभी भैया को बहुत धन्यवाद, और साथ ही सभी
दर्शक श्रोता को मेरा प्रणाम और लाइफ क्लब ऑफ फ्यूचर वैली हमेशा बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इसलिए उनको भी मैं गलत तरफ से बहुत छोटा सा तोहफा हमारे तरफ से था, इसमें बहुत सा प्यार मोहब्बत समझेंगे। धन्यवाद। लायंस क्लब सिंचर वैली के तरफ से आप सभी को हार्दिक अभिनंदन। 2021, 2022, आज 2023 वैली क्लब के गठन के बाद लगातार तीसरे वर्ष हम लोग छोटे तौर पर सही लेकिन हिंदी दिवस का आयोजन कर रहे हैं। सबसे बड़ी जो बात है इस आयोजन की, लायंस क्लब ऑफ सिंचर वैली वो एकता में अनेकता पे भरोसा करती है, विश्वास करती है। आज यहाँ जो लोग बैठे हुए हैं सभी हिंदी प्रेमी हैं, या बांग्लावासी भी हैं, या मणिपुरी भी हैं, या हिंदी वासी भी हैं। तो हमारा जो मकसद था कि हम एक मंच में सबको लाए, ऐसा जरूरी नहीं कि हिंदी वासी लोग ही सिर्फ हिंदी दिवस मनाए। और जो उद्देश्य हम लोगों ने उद्योग लिया था 2021 में, धीरे धीरे हर एक कदम के साथ हमारा उद्योग सफल होता जा रहा है। आज बहुत अच्छा लगता है जब बांग्ला भाषा के लोग हिंदी में कविता बोलते हैं, हिंदी में नृत्य करते हैं, और एक संदेश देते हैं सबको कि एक ऐसी भाषा है, आप अगर भारत से बाहर कहीं जाएंगे, आज मेघालय का एक व्यक्ति अगर आसाम का एक व्यक्ति से अमेरिका में मिलेगा वो हिंदी बोलेगा, आज नागालैंड का एक व्यक्ति, मणिपुर का एक व्यक्ति अगर कनाडा में मिलेंगे वो लेकिन हिंदी बोलेंगे। ये जोड़ने वाली भाषा है, और ये जोड़ने वाली भाषा है ये यही पे साबित होता है कि आज इस कक्ष के अंदर सारे लोग, हर भाषा के लोग एक मंच पे हम लोग एक साथ बैठ के एक आवाज एक सुर पे बात बोल रहे हैं। तो मैं चाहूंगा आज एक शाम है जो हम लोगों ने कोशिश की है कि आप लोगों के नाम करें, और एक चीज बताना जरूरी है कि एक कार्यक्रम हम लोगों ने सिर्फ 2 घंटे में तैयारी की है। हम लोगों का उद्देश्य था कि किसी स्कूल में मनाएंगे इस बार, लेकिन कल शाम के बाद हम लोग जो मेंबर्स हैं अपने वैली क्लब के, हम लोगों ने एक दूसरे से बातें करना आरंभ किया और 2-3 घंटे के अंदर एक कार्यक्रम स्टार्ट हो गया। तो यहाँ जितने लोग आए हैं, जो गीत गाएंगे, जो नृत्य करेंगे, जो कविता करेंगे, सबके पास फोन लेकिन रात को 10 बजे के बाद गया है। हर एक के पास फोन 10 बजे के बाद गया है, और सुबह 10 बजे तक हर कार्यक्रम तैयार था। तो आप लोगों के सहयोग से आप लोग, हम लोग 2 कदम बढ़े, आप लोग भी 2 कदम बढ़े, तो ये सफल होगा आज का कार्यक्रम। मैं चाहूंगा आज का सिंचर वैली के उद्देश्य से जो ये शाम आप लोग रंगीन बनाना चाहते हैं और रंगीन होते हुए दिख रहा है, यहाँ बहुत सी ऐसे हुनर है बच्चों में, कविता के माध्यम से हो, नृत्य के माध्यम से हो, संगीत के माध्यम से हो, कोई कॉमेडी, कोई जोक्स के माध्यम से हो, अपने अपने हमें सभी फेस करेंगे। गलतियां हो इसका कोई बात नहीं, मंच पे आके खुद को उजागर करना एक बहुत बड़ी बात है, और लायंस क्लब ऑफ सिंचर वैली पिछले 3 साल से यही उत्तर ले रही है, और मैं सोचता हूँ कि आज का शाम सफल होगा, और आने वाले 2-3 घंटे एक रंगारंग कार्यक्रम के माध्यम से हम लोग स्वाभाविक तौर से इसे उपभोग करेंगे। धन्यवाद, तहे दिल से आप लोगों को शुक्रिया।